नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो सेना की छूट पूरी दे दी है, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर चिन्ह न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 14 फरवरी का वो काला दिन जब हमने अपने 42 से भी ज्यादा जवानों को खो दिया। देश में इस वक्त पूरे गम का माहौल है, हर हिंदुस्तानी के दिल में इस वक्त आक्रोश है। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदु से, जो 38 सालों तक आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में वो समाज सेवा से जुड़े हैं। सर, ये जो पूरी घटना हुई थी, सबसे पहले जब ये न्यूज फ्लैश होनी शुरू हुई न्यूज स्क्रीन पर, तब आपकी तरफ से क्या रिएक्शन था इस पर? देखिए, मेरा सबसे पहले रिएक्शन ये था कि दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, और सुरक्षा बलों के ऊपर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये हमला क्यों हुआ, हमें उस सवाल का उत्तर ढूंढना है। क्या ये हमला अवॉइड किया जा सकता था, और इस हमले के कारण क्या हैं? आज पूरा देश एकजुट है और हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन क्या ये एकजुटता अपने जवानों का खून बहाने के बाद आनी चाहिए, या ये एकजुटता हमारी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ के साथ पूरे देश की एकजुटता होनी चाहिए कि सेना को क्या चाहिए, सुरक्षा बलों को क्या चाहिए, ताकि इस तरीके के हादसे ना हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं चाहूँगा कि मुझे घाव ना हो, और जहाँ से घाव मुझे हो सकता है उसको मैं पहले सॉर्ट आउट करूँ। ये नहीं कि मुझे घाव हो जाए उसके बाद मैं ट्रीटमेंट कराऊँ। तो ये जो हमला है, देर आर लॉट ऑफ आंसर्स आर रिक्वायर्ड, देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच नीड टू बी आंसर्ड। इस हमले के बाद जहां पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है, वहीं भारत ने जो MFN का जो दर्जा था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वो पाकिस्तान से वापस ले लिया है। आपको लगता है कि इतना करना सिर्फ काफ़ी होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, क्या करना चाहिए था, एंड आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम पुटिंग इट अक्रॉस, जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया है। आज से 6 महीने पहले यही पैरामिलिट्री फोर्स CRPF के हमारे जवान जो सेवानिवृत्त हैं, वो जंतर मंतर दिल्ली में गए थे, उन्होंने अपनी मांगों को रखा था सरकार के सामने, तब सरकार ने उनकी मांगें क्यों नहीं मानी? जब ये हादसा हो गया, तब आप कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। दूसरी चीज़, जो आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन हमने दिया था वो हमने वापस ले लिया, तो इससे क्या समस्या हल हो गई? आज हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि चाइना ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ने अपनी संसद में, पार्लियामेंट में कोई विधेयक पास किया है? क्या हमने खुद पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया है? नहीं। अगर हम खुद अपने घर की सफाई नहीं कर सकते, तो मैं पड़ोसियों से क्या उम्मीद करूंगा? आप बताइए मुझे, सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने से क्या हमारे 42 जवान वापस आ जाएंगे? और उसके बाद कल भी आपने देखा 4 और जवान हमारे शहीद हुए। क्या जवानों की शहादत सिर्फ शहादत देने के लिए है? शहादत बिल्कुल देंगे वो, और हमेशा देंगे, लेकिन गलत नीतियों के चलते नहीं, गलत जो पॉलिसीज हैं उसके चलते नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आप इतने सालों तक सेवाएं देते रहे अपनी आर्मी में, इतने बड़े बड़े युद्ध आपने लड़े, घायल भी हुए, इस बार जो ये वाकया हुआ है, कमी कहाँ रह गई, सिस्टम में या फिर देखा जाए तो किसी तरह के प्रिकॉशन में हम कह सकते हैं? देखिए, आज जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, पूरा जो अटेंशन है इट हैज़ बीन डाइवर्टेड टूवर्ड्स पाकिस्तान। यस, वी नो दैट जैश ए मोहम्मद बेस इज इन पाकिस्तान। नाउ व्हेन 814 जब इसका हाईजैक हुआ था, तब मसूद अजहर को रिहा किया गया था। उस समय जो IB के प्रमुख थे श्री अजीत डोवाल,
जो आज NSA हैं, इनके रिकमेंडेशन पे तत्कालीन भारत सरकार ने उसको रिहा कर दिया। ओके, जिन कारणों से भी रिहा किया, अच्छा किया बुरा किया, नाउ दैट इज गॉन, दैट्स अ क्लोज चैप्टर। नाउ पूरा अटेंशन पाकिस्तान को देने के बजाय वी हैव टू सी व्हाट आर आवर फॉल्ट्स। अगर मैं आपकी तरफ एक उंगली करता हूं तो तीन उंगलियां मेरी तरफ है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री एंड व्हेन वी आर, जब हम देश की बात करते हैं एक देशवासी होने के नाते वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हमारी कहां गलतियां हैं उसको दूर करें। देखिए, जब तक देश है तब तक आप और मैं हैं, जब तक आप और मेरा वजूद है। अगर देश ही नहीं है, और जिस हिसाब से आज गवर्नेंस है, आई एम सॉरी, इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे सहमत ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बात आपके माध्यम से जितने लोग देखें मैं उनको बताना चाहूंगा, ट्रस्ट मी द वे टुडे इंडिया इज गोइंग, आज 30 साल के पहले जो लीबिया में कंडीशन थी, सीरिया में कंडीशन थी, इराक में कंडीशन थी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कंडीशन थी, सूडान में थी, कॉन्गो में थी, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन एंड इट इज आवर ड्यूटी। हर इंसान, हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि वो देश की सोचे, ना कि किसी राजनीतिक दल की। आज क्या होता है, हम हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं। देयर इज अ डिफरेंस राष्ट्र विरोधी और राजनीतिक विरोध, इसमें फर्क है। आप किसी भी पार्टी के हो कोई बात नहीं, आप किस पार्टी के हो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप किस पार्टी के हो पहले देश की सोचिए। सत्ता में रहना अगर आपका सिर्फ उद्देश्य है, आई एम सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल एटलीस्ट टू मी। और मेरे ख्याल से जो सिर्फ सत्ता के लिए जो भी कार्रवाई कर रही है, मुझे नहीं लगता कि उनके उनको देश के लिए कोई ख्याल है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बहुत सारे लोग मुझसे सहमत हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हम अपनी गलतियां नहीं ढूंढेंगे, आप कैसे हर चीज का जो व्हाट यू कॉल एवरीथिंग यू आर लीडिंग इट टू पाकिस्तान, कि पूरी चीज पाकिस्तान ने करी है। आप अपना देखिए, हमने क्या गलतियां करी है इसमें। वे वो द इंटेलिजेंस 200 250 300 केजी एक्सप्लोजिव ले जाके, इज इट ए जोक? आप मुझे बताइए, जब कोई नेता रोड से जाता है तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये हमारे 2547 जवान जो जा रहे थे, उसको एक आतंकवादी ने आके एक झटके में साफ कर दिया। क्यों आज पूरा देश सिर्फ इसकी बात कर रहा है? इज इट नॉट एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ द कंट्री सो दैट वी डोंट थिंक ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री? So this is what I want to say and I'm putting across my views in no uncertain terms. जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पर आतंकी हावी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो आज भी इसकी जो उपाधि है वो नक्सलवाद क्षेत्र के नाम से ही दी जाती है पहले। सर, आपको लगता है कि जो जवानों की शहादत है, चाहे वो देश के स्तर पर हो या फिर प्रदेश के स्तर पर हो, कुछ दिनों बाद लोग उसे भूल जाते हैं या फिर गवर्नमेंट उस पर उतना ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाती, इसलिए हर बार हमको कैंडल मार्च ही निकालने पड़ते हैं? देखिए, एक आम आदमी, एक देशवासी, आप बताइए वो अपनी संवेदना, वो अपनी भावना कैसे प्रकट करेगा? और आज जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वाजिबी है, या तो वो कोई मार्च करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएगा, कुछ सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे, कोई कैंडल मार्च करेगा, अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ कैंडल मार्च और इस संवेदना से ये जो घटना है इसको आप दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यही आपका प्रश्न था? Yes. किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अभी आप मुझे बताइए कि जब हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्यों सरकार चुप है? जब आपको उन जवानों को भेजने के लिए एयर रिक्विजिशन किया गया, जहाजों की मांग की गई, उसको क्यों रिफ्यूज किया गया? आज से साल भर पहले आपको याद होगा,
जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी जम्मू एंड कश्मीर के, और जब आज की केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी का उनको सपोर्ट था, उस समय दो लड़के एक कार लेके उसी रोड उसी हाईवे पे जा रहे थे जम्मू श्रीनगर। पहले चेक पोस्ट में रोका, वो नहीं रुके। दूसरे चेक पोस्ट में रोका, वो नहीं रुके। तो चेक पोस्ट ने तीसरे चेक पोस्ट को बताया, जब वो नहीं रुके तो उसने गोली चलाई और वो दोनों वहाँ पे मर गए। और अच्छा हुआ मरे क्योंकि नहीं रुके। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को क्या बोला कि आपकी सेना ने हमारे इनोसेंट कश्मीरियों को मारा है। आर्मी कमांडर जनरल हुड्डा नदन कमांड, उनको बोला गया कि आप पब्लिक अपॉलोजी रेंडर करिए। उन्होंने देश के सामने इन द मीडिया उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर कहा गया कि आप कोई गाड़ी चेक नहीं करेंगे। ये कैसी सरकार है? अगर एक सिविलियन मारा गया तो आप एक सेना के आर्मी कमांडर से पब्लिक अपॉलोजी मांग रहे हैं? अब सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही कि ये 250 केजी कहां से आया है एक्सप्लोजिव, और किसने उसको अलाउ किया जाने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है ये सरकार से पूछिए और सरकार को इसका उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि जो जवान शहीद हुए हैं वो सीआरपीएफ के हैं और सीआरपीएफ किसके अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्री के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर। क्या गृह मंत्रालय ने अपनी कोई जिम्मेदारी ली है? आपको याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तब जब वो रेल मंत्री थे, तब बिहार में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और यहाँ पे हमारे पिछले इतने सालों से जवान शहीद हो रहे हैं, तब रक्षा मंत्रालय क्या कर रही है? और भारतीय जनता पार्टी उसी अलगाववादी सरकार को, महबूबा मुफ्ती की सरकार को, पीडीपी की सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हैं? 3.5 साल तक आपने सपोर्ट किया, क्यों? आपको सत्ता में रहना है। देखिए साहब, आप सत्ता में रहिए, डेमोक्रेसी में सत्ता आएगी जाएगी, नेता आएंगे जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहेगा। और देश क्यों है? क्योंकि आज जो भारतीय सेना है उसका जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी है कि देश की अखंडता और देश के लोकतंत्र की सेवा, ये सबसे बड़ी भारतीय सेना की जिम्मेदारी है। और सरकार के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो सशस्त्र सेना है, सुरक्षा बल है। आप उन्हीं को कमजोर कर रहे हैं, आप उसी की धार को खराब कर रहे हैं। ये व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नेंस इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ कंट्री आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट काइंड ऑफ नेशनलिज्म आर वी टॉकिंग अबाउट? अभी आपने हमारे जवानों का खून बहा दिया, देश को उत्तेजित कर दिया, उनके आक्रोश को आप भुनाना चाहते हैं, व्हाई? और आप पूरा ब्लेम पाकिस्तान को कर रहे हैं। यस, पाकिस्तान इज ए ब्लडी टेररिस्ट स्टेट। तो क्यों नहीं भारत सरकार पूरी दुनिया को बोल रही है कि वी हैव डिक्लेयर्ड पाकिस्तान ए टेररिस्ट स्टेट, देन यू गो टू यूएन, देन यू स्पीक टू चाइना? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। क्योंकि सत्य होता है लेकिन कड़वा होता है, और जब तक आप कड़वा सत्य डाइजेस्ट नहीं करेंगे आप देश को ऊपर नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि राजनीति इसमें हावी हो रही है, ये जो पूरा घटना हुआ इसमें कोई शक है? देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट, इट्स ए पॉलिटिकल एजेंडा। पिछली बार जब उरी में हमला हुआ था, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे आप चुनाव जीत गए उत्तर प्रदेश का, अच्छी बात है। क्या आप इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है? बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन कभी सरकार ने फौज को और फौज की कार्रवाई को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया और ना लाना चाहिए। लेकिन आप चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात पूरे देश में हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब में हो रही थी। अगर ऐसी बात है, अभी आप देखिए, अभी क्या सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प है? या तो वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एक और कारगिल करेंगे, या हो सकता है आर पार का युद्ध भी हो जाए। लेकिन इससे होगा क्या? जीत तो भारतीय सेना की ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट। जब हमारी सेना जीत जाएगी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, चाहे एक और कारगिल के माध्यम से, या आर पार के युद्ध में, तब ये सरकार देश
वासियों की वाहवाही लूटेगी, हमने ये कर दिया, होगा क्या? कुछ और विधवाएं बनेंगी, कुछ और बच्चे अनाथ होंगे, कुछ और माँ बाप का सहारा छिनेगा, कुछ और बहनों की राखियां भस्म हो जाएगी। सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, इनको तो सत्ता में रहना है, इसीलिए सेना को लगाओ। सेना अपना काम कर रही, कोई एहसान नहीं कर रही है, यह उनका फर्ज है। लेकिन और मैं गर्व से कह रहा हूं कि जो हमारे भारतीय सेना है या सुरक्षा बल है, उनके अंदर एक जज्बा है, वो जज्बा किसी स्वार्थ से नहीं टिका हुआ है, वो निस्वार्थ देश की सेवा के लिए करते हैं। आप बताइए, जब लड़ाई होती है तब क्या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या आप या मेरे भाई बहन मेरे साथ होते हैं? नहीं होते। हम किसके लिए लड़ते हैं? देशवासियों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, हमारे लिए हर देशवासी एक है। जब इतना जज्बा हमारे अंदर है, आप उनको ही कमजोर कर रहे हैं, आप उनको आगे ला रहे हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए। इट्स अ गेम विच हैज बीन प्लेड। और हमारे देशवासियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप इस तरीके के गेम में मत आइए, आप वास्तविकता को समझिए। और अभी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, इनको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब लेंगे, भारतीय सेना की फिर जीत होगी, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये जानबूझ के इस तरीके का सिनेरियो बनाया गया है? पॉइंट इज दिस, दिस नीड्स टू बी एड्रेस, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय द पीपल। तो ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रदीप यदु, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात इस मुद्दे पर रखी। और वास्तव में इस वक्त जो पूरे देश के हालात हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, जो जवानों की शहादत है वो किसी तरह से ज़ाया नहीं जानी चाहिए। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा, रायपुर। नारायण नारायण।